हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोग। कैसे सभी लोग? होप करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। और दिन की शुरुआत हो चुकी है, बस मंदिर जाने की तैयारी में हम लोग तैयार हो चुका हूँ मैं। हाँ जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं मंदिर। अब करते हैं अपना पूजन स्टार्ट। हाँ जी गाइस, अपना पूजन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपना घर पे, करते हैं ब्रेकफास्ट। हाँ जी गाइस, तो अपना आ गए थे घर पे, ब्रेकफास्ट भी रहना, अभी बस शेक पीते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। पीएनबी बैंक आया, कुछ काम है पापा और भाई का, तो वो करते हैं, फिर उसके बाद मेरे को भी काम है अपने बैंक में, फिर वहां चलते हैं। तो अपना ऑफिस आ गया, एक बारी बैग रख दिया मैंने, अब अपने के जाना पड़ेगा पारे सेक्टर वाले पीएनबी। यहाँ तो कह रहे सिस्टम ना होना, तो चलते हैं पीएनबी पारे सेक्टर। हाँ जी, आ चुके हम लोग सेक्टर 12 पीएनबी में, अब चलते हैं अपना काम करते हैं। हाँ जी गाइस, मैं आ गया था अपना, सामने से बैंक के काम भी कर लेते, सेक्टर 12 वाला पीएनबी का भी काम हो गया था अपना। और बस अभी आके बैठे हैं, थोड़ी देर बैठ के ऐसी बातचीत कर रहे थे भाइयों से, अभी बस अपना बैठते हैं, अपनी स्क्रिप्ट भी रेडी है और वीडियो शॉर्ट वीडियो कंटेंट शूट करते हैं। तो अपना अभी यार शूट कर लिया कंटेंट का, अभी एक बार एडिटिंग पे बैठेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे टेलर के पास, जिसको अपना मैं सूट के ऑल्टरेशन के लिए दे के आया था और पेंट एक स्टिचिंग के लिए दे के आया था। तो उसको अभी कॉल किया था मैंने कि आ जाऊँ क्या, हो गया क्या रेडी? तो कहता आ जाओ भाई, हो गया रेडी, अब चलते हैं वहाँ पे। हाँ अभी तो अभी पेंट का देख लिया मैंने, और मतलब की स्टिचिंग अच्छी है बिल्कुल, फिटिंग भी साइज भी सब कुछ ओके। अब देखते हैं अपना इंडो सूट हो गया कि नहीं ऑल्टर। हाँ भाई, अपना आ गया यार ऑफिस अभी, और ट्राउजर उठा लिए मैंने, और क्या कहते हैं कि अपना इंडो सूट जो है वो मैंने दे दिया उसके लिए ड्राई क्लीन करने के लिए, कल मिल जाएगा शाम तक। अभी एक बार सामने जा रहा हूँ एक्सपोर्टर, कुछ देखते हैं अगर मिलता है तो अच्छा सा कुछ। हाँ भैया, अभी एक्सपोर्टर से भी निकल चुके हैं आपा, और यहाँ से भी काफी कुछ ले लिया आपा ने। अब चलते हैं एक बारी घर पे, फिर मैं एक बार जाऊंगा सैलून पे, थोड़ा बहुत एक बार तो सुना लेंगे। तो अपना आ गया किचन पे हेयर स्पा वॉश हेयर कट लेने के लिए। अब तो पहले तो ये कह रहे कि अपॉइंटमेंट है नहीं, तो आ गया था भाई को अपॉइंटमेंट थी, तो कुछ है तो मैंने कह रहे कि हो जाएगा अभी। चलो फिर आते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी को। हाँ
कैंसर का डैमेज है के लिए जज्बा किया है, फिर पैर और कैंसर के काफी स्मूथ हो गए और हेयर कट किया है। स्पा में कौन सी क्रीम यूज करी आओ? स्मूथ भी फिटिंग से भी है उसका और हेयर कट हो चुका। अब चलते हैं अपना घर की ओर। भाई अपना आ गया अभी घर पे, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना खाएंगे। हाँ जी गाइस, अभी टाइम है शेक पीने का, बनाना शेक पी रहे हैं आज हम लोग। और अपना आ गए थे हम हेयर स्पा करवा के और थोड़ा सा हेयर कट करवा के फिटिंग से, क्योंकि मॉडल टाउन में है। अपना खाना खुना खा लिया मैंने, और अभी एक बार टीजे भाई का फोन आया, करे कि आ जाओ यार एक बारी पिकअप के लिए, तो बस वो गए हुए थे पानीपत, तो उनको पिकअप करके आते हैं। ट्रैफिक में मजा तो हर रात को ही आता है, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, ट्रैफिक नहीं, अपना आराम से मस्ती में चलाओ भाई। हाँ जी भाई, तो कर लिया पिक, अब चलते हैं घर पे। हाँ भी इनको कर दिया अभी ड्रॉप, अब चलते हैं अपने घर पे। टाटा बाय बाय। अब मैं भी आ गया अपने घर पे, अब बैठते अपनी एडिटिंग करते। आज तो भाई अपना मिल ली, तो काम था जो हेयर स्पा था और थोड़ा सा हेयर कट का था। अब देखो बाल के स्मूथ स्मूथ हो गया मेरे, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर्विस थी यार, ऐसा कोई वो नहीं था कि बेकार सर्विस हो, और अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, बढ़िया तरह ट्रीट किया सबने। बाकी अपना एडिटिंग भी हो चुकी है कंप्लीट और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।